हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन ऑन सिलॉजिज्म्स। तो ये पार्ट वन रहेगा हमारा डिस्कशन का। तो कुछ टाइम तक हम सिलॉजिज्म्स के बेसिक डिस्कस करेंगे, क्या है सिलॉजिज्म्स, कैसे उसे अप्रोच करें, और काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सिलॉजिज्म सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। इस सेशन में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी इफ यू कम ब्लैंक टू दिस लेक्चर, यू विल लर्न एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एंड सारे पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद यू कैन सॉल्व सिलॉजिज्म्स विथ 100% एक्यूरेसी। तो यू कैन रीड समथिंग अबाउट मी, द इन्फॉर्मेशन आई हैव रिटन हियर। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन रीच ऑन माई ट्विटर हैंडल, एंड आई राइट कॉन्स्टेंटली ब्लॉग, यू कैन विजिट दिस, सो यू कैन फॉलो अप लेटेस्ट न्यूज अबाउट बैंकिंग एंड स्ट्रेटजीज, पैटर्न डिस्कशंस एंड वेरियस अदर थिंग्स। एंड यू कैन फॉलो ऑन कोरा ऑल्सो, राइट? यू कैन सी दिस। तो अब चालू करते हैं सिलॉजिज्म का लेक्चर। सबसे पहले मीनिंग एंड रेलेवेंस। तो इट्स अ डिडक्टिव स्कीम ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ मेजर एंड माइनर प्रेमिस एंड अ कंक्लूजन। ऑब्वियसली ये पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या जरूरत है, बट स्टिल एक क्या होता है ये डिस्कस करना और जानना जरूरी है। तो ये एक फॉर्मल एक डेफिनेशन है। तो सिलॉजिज्म इज अ वर्बल रीजनिंग टाइप प्रॉब्लम, ठीक है, आपके रीजनिंग के सेक्शन में जनरली अपेयर करता है, विच इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन द रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। तो जनरली रीजनिंग सेक्शन में आपके सिलॉजिज्म्स 5 के केसलेट में आते हैं, 5 के केसलेट में। तो ऑब्वियसली सिलॉजिज्म्स इम्पॉर्टेंट है जानना। These type of questions contain two or more statements, and these statements are followed by the number of conclusion. अब आपको you have to find the conclusion logically follows from the given statement, and sometimes also you are asked to find which definitely does not follow, or you know वो आगे के lectures में हम discuss करेंगे। और ये basic एक approach है। तो ये नहीं कि सिर्फ logically follow वाला हम लोग discuss करेंगे, कुछ कुछ question में जो higher level जो हम बाद में बनाएंगे तो वो पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, पॉसिबिलिटी केसेस, ये सब बाद में फॉलो कर मतलब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब रेलेवेंस में क्या है कि केसलेट ऑफ 5 क्वेश्चन जो मैंने बताया, सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है लूजिंग इट्स चार्म। तो व्हाई आई हैव रिटन दिस लाइक दिस, क्या हुआ था एसबीआई क्लर्क 2016 में एंड एसबीआई पीओ में 0 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम सिलॉजिज्म। ऐसा देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट बॉगल डाउन सिलॉजिज्म में रहते हैं। तो बिफोर बिगनिंग ऑफ एनी एग्जाम दे ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलॉजिज्म एंड क्लियर देयर डाउट्स, बट सरप्राइजिंगली एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ गेव 0 क्वेश्चंस। बट दिस डजंट मीन दैट वी शुड स्टॉप लर्निंग आर सिलॉजिज्म। सो व्हाई? बिकॉज आईबीपीएस, RRB एंड अदर बैंकिंग एग्जाम, और इवन इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर RBI और सम अदर एग्जाम, दे हैवन्ट स्टॉप्ड सिलॉजिज्म कंप्लीटली लाइक वॉट SBI क्लर्क SBI PO हैज डन। सो योर एजेंडा इज टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, इसको खत्म करे और ट्राई करे कि 100% एक्यूरेसी से सॉल्व किया जाए। और आई विल अश्योर यू दैट यू विल लर्न एवरीथिंग सो दैट यू कैन सॉल्व सिलॉजिज्म विद 100% एक्यूरेसी। तो ठीक है, आपको लेटेस्ट ट्रेंड समझ में आ गई कि हाँ SBI क्लर्क में नहीं आया, PO में नहीं आया, बट IBPS, RRB, RBI ये सब में आता है या आ सकता है। मे बी IBPS में ना आए, बट स्टिल आपका काम है इसको अच्छे से करना, क्योंकि 5 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे इफ यू लर्न इट प्रॉपरली। और रीजनिंग केसलेट पजल्स टफ आते हैं, तो यहाँ पे मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब वेज टू सॉल्व सिलॉजिज्म, ठीक है। एज सच मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड विल बी वेन डायग्राम, अदर्स आर AEIOU, बट सरप्राइजिंगली टुडे आई विल ओनली टीच यू टिक एंड क्रॉस मेथड, विच आई बिलीव इज इजिएस्ट एंड इट वुड इन्वॉल्व एनी टचिंग ऑफ पेन एंड पेपर। मतलब टिक क्रॉस मेथड आप सीखो जो मैं कर रहा हूं, सारे लेक्चर्स ध्यान से सुनो, नोट डाउन करो, और आपके पास टाइम है अभी तो आराम से आप प्रैक्टिस कर करके इसे सबसे मिनिमम टाइम में आप सॉल्व करोगे विदाउट टचिंग पेन एंड पेपर। टिक क्रॉस मेथड विल हेल्प यू।
सो आई विल बी डीलिंग, मैं आपको टिक क्रॉस मेथड पढ़ाऊंगा और जो भी आपको पता हो, एक तरह से टिक क्रॉस एंड AEIOU जो है वो एक्सटेंडेड सेम ही मेथड है, बट टिक क्रॉस ज्यादा इजी हो जाएगा, वो अब आपको इवेंचुअली धीरे धीरे लेक्चर्स में समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे इसे आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले अब आपका क्लास स्टार्ट होगा और यहां से आपको हर एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है और नोट डाउन भी करना है। तो एज सच जो आपके स्क्रीन पे है आपको एक तरह से मेमोराइज करना है। इन सब का रेलिवेंस इतना ज्यादा नहीं होगा बिकॉज क्योंकि जब आप धीरे धीरे समझने लग जाओगे तो इस टेबल के बेसिस पे आप ऑलमोस्ट सारे सिलॉजिज्म, ऑलमोस्ट नहीं 100% सारे सिलॉजिज्म आप सॉल्व कर दोगे। तो बस याद रहे ये वाला आप ऑर्डर याद कर ले और इसका मीनिंग बस अभी के लिए, क्योंकि आपको समझने में इजी होगा जब मैं बोलूंगा यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल नेगेटिव, तो हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप इसे एज इट इज टिक क्रॉस टिक क्रॉस 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 टिक ऐसे ही याद कर ले। याद करने के बाद इसका मतलब मैं वर्ड के लिए, क्योंकि हम लोग को रेफरेंस नहीं है कुछ बोलना होगा, तो टिक को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एंड क्रॉस को हम बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो आपको बस इतना याद रखना है कि टिक का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड, क्रॉस का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड। बाद में आप प्रैक्टिस के साथ याद रखो या ना रखो, इट वोंट मैटर मच, बट राइट नाउ इट मैटर्स। सो यूनिवर्सल पॉजिटिव का टिक क्रॉस हो जाएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव का टिक टिक हो जाएगा, पर्टिकुलर पॉजिटिव का क्रॉस क्रॉस एंड पर्टिकुलर नेगेटिव का क्रॉस टिक। अब आपको लग रहा होगा ये क्या मतलब, सिलॉजिज्म तो मैंने सुना था, ऑल ARB ऑल BRC समथिंग लाइक दैट कुछ सुना था, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल नेगेटिव पर्टिकुलर पॉजिटिव पर्टिकुलर नेगेटिव कहां से आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बस ये रेफरेंस के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा जो ये है। ठीक है, तो व्हेनेवर वी से यूनिवर्सल पॉजिटिव इट मींस वी आर सेइंग ऑल ARB। एक रेफरेंस के लिए जान लो ऑल ARB। अब ए और बी तो कुछ भी हो सकता है, जैसे वी कैन से ऑल ARB के बदले, लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस अगर आपने देखे है तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट, ऑल कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, तो समझ लो बस कि कैट के बदले मैंने ए रिप्रेजेंट किया, डॉग के बदले बी रिप्रेजेंट किया। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करने के लिए है, जो यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है वो इस स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट है ऑल का। ठीक है, ऑल, सो जब भी आप यूनिवर्सल का नाम समझे, ठीक है, तो आपको व्हेनेवर यू सी यूनिवर्सल पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो इट डजेंट मीन कि सिर्फ ऑल ही इंक्लूड करता है, इवन स्टेटमेंट्स लाइक ऑल के बाद भी है एवरी, ठीक है, एनी, नन, नॉट अ सिंगल, और ओनली एटसेट्रा। बट मेजर केसेस में ऑल, एवरी, ओनली, एनी, नन, यही सब आएगा। ठीक है, तो आप याद रखना कि जब मैं बातें कर रहा हूं तो स्ट्रक्चर में, तो यू हैव टू सी मतलब ये फॉर्म में बोल रहा हूं ऑल ARB। इट मींस कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑल ARB हो जाएगा, इट कैन बी मैं बोल सकता हूं एवरी शाम इज राम। ठीक है, रेफरेंस आप समझो बस ऑल को समझो, जो ऑल यूनिवर्सल के साथ पैक्ड कर लो, आप आपके दिमाग में इमेज बन जाना है कि चाहिए जब यूनिवर्सल की बात करूं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो ऑल, एवरी, एनी, नन, नॉट अ सिंगल, ओनली और नो, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव में बस यही डिफरेंशिएशन है, टिक एंड टिक है, जिस ऑर्डर में मैंने आपको याद करने बोला था, एंड उसके बाद इसका मतलब नो हो जाता है। ठीक है, तो रेफरेंस होना चाहिए नो ARB। अब नो ARB मतलब नो कैट आर डॉग भी हो सकता है, बस आपको याद रखना है कि नो होना चाहिए तो नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो नेगेटिव जो वर्ड होता है जैसे नन हो गया, नॉट अ सिंगल, ये हो गया नेगेटिव आपका। तो बेसिकली आपका जो मैंने यूनिवर्सल के टर्म में कवर किया, जब आप देखोगे
ये जब मैं बोलूंगा यूनिवर्सल पॉजिटिव, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं ऑल ए आर बी ऐसे कुछ टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑल के बारे में बात कर रहा हूँ, एवरी ऐसे कच के एनी ये सब के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप सोचो यूनिवर्सल नेगेटिव बोलूंगा, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा बस इतना कि नन नो ऐसे के टर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। तो एज यू कैन सी मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, रेफरेंस कर रहा हूँ। अब क्या है कि पर्टिकुलर को या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको किसी चीज से पैक कर दिया, ठीक है, यू कैन सी सम के साथ। अब सम ईयर बी ईयर में जब बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पर्टिकुलर पॉजिटिव के बारे में बोल रहा हूँ, और सम ए आर नॉट बी जब बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पर्टिकुलर नेगेटिव के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर पॉजिटिव और नेगेटिव के क्या क्या एग्जाम्पल है आपको नोट डाउन करने के लिए, सम हो गया, मेनी हो गया, ठीक है, अ फ्यू हो गया, क्वाइट अ फ्यू हो गया, ठीक है, नॉट मेनी हो गया, वेरी लिटिल हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, ओके, और मोस्ट ऑफ हो गया, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ठीक है, जनरली, ये सब आप लिख लेना, नोट डाउन कर लो। बट याद रहे कि मोस्ट क्वेश्चन जो सिलॉजिज्म के आते हैं उसमें सम ही यूज होता है, सम या फिर मैनी ऐसे कुछ यूज होता है, ज्यादा इतना डीप में नहीं आते, बट स्टिल नोट डाउन करने के लिए मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी मैं बोलूं सम ए आर बी तो आपको हमेशा पर्टिकुलर पॉजिटिव सोचना चाहिए, और फिर आपको पता होना चाहिए दोनों का क्रॉस क्रॉस हो जाता है। और क्रॉस क्रॉस रेफर किसको करेगा, ए और बी को, और ये आगे आपको पता चलेगा कि क्या बोल रहा हूं मैं, और ये क्रॉस क्रॉस या फिर मे बी ये टिक क्रॉस या जो भी ये पूरा जो आपका टेबल है ये क्या बोल रहा है, तो ये ए और बी पे रेफर करेगा, और कैसे करेगा वो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। अभी बस इतना आपको यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव के बारे में पता चल जाना चाहिए कि हाँ मैं क्या रेफर कर रहा हूँ जब मैं बोलूँ, और जब मैं यूनिवर्सल पॉजिटिव बोलूँ आपको टिक क्रॉस टिक टिक, यूनिवर्सल नेगेटिव बोलूँ तो टिक टिक, पर्टिकुलर पॉजिटिव बोलूँ तो क्रॉस क्रॉस, और पर्टिकुलर नेगेटिव बोलूँ तो क्रॉस टिक पता रहना चाहिए। अब इतना जब आपको पता चल गया तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ए और बी के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी मान लो मैंने आपको कहा सम सी आर डी, तो आपको तुरंत अपने टेबल से देख के, क्योंकि आपको टेबल याद हो जाना चाहिए, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सी और डी इसी वे में, ठीक है, सेम फ्लो में, क्रॉस क्रॉस मैंने कहा था तो ऐसे क्रॉस क्रॉस आपको रेफरेंस के लिए याद रखना होगा। अब इसको कैसे कलेक्टिवली यूज करते हैं क्वेश्चन में, ये बात की बात है, बट फिलहाल बस मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे होगा, ठीक है। अब मान लो मैं आपको बोलता हूं ऑल बी आर एफ, तो कैसे आपको कोलेट करना पड़ेगा। अब मान लो डी और एफ ऐसे लिख दिया आपने तो टिक क्रॉस, ठीक है, क्योंकि क्यों ऐसा किया आपने, सी ऑल यूनिवर्सल पॉजिटिव में ऑल ए आर बी में टिक क्रॉस था, ठीक है ना, तो इसी वे में डी के नीचे आपने टिक मारा और एफ के नीचे क्रॉस मारा। आप किसी भी एंगल में अभी के पॉइंट पे ये इसको इंटरचेंज मत नहीं करोगे, अभी जो आप सीख रहे हो, इट मींस कि मैंने ऑल डी आर एफ बोला तो आप ऐसे नहीं अपने बनाओगे, ठीक है, ये डी है और एफ है तो इसको ऐसे टिक क्रॉस नहीं अभी कर सकते हो, ठीक है। जिस ऑर्डर में मैंने आपको बोला है याद करने वही याद करिएगा, और उसके बाद बाद में हम धीरे धीरे कैसे एक दो स्टेटमेंट्स को जोड़ के निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बस आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, एंड टेबल ये रहा आपका, तो ए ये है और बी ये है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे रूल्स के ऊपर। अब कुछ रूल्स आपको याद करना होगा। तो एज सच इस मेथड में बहुत सारे रूल्स है जिसे हम गोल्डन रूल्स कहते हैं, ठीक है, थीके? ये सारे पॉइंट्स है तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा विद एग्जाम्पल्स, तो कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या बोल रहे हैं, और
इसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो हर एक एग्जाम्पल लेके करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे रूल्स क्या क्या होते हैं। एट फर्स्ट इंस्टेंस आपको लगेगा कि बहुत सारे रूल्स है और मैं क्यों नहीं वेन डायग्राम से ही सॉल्व कर लूं, बट थोड़े मोड़े प्रैक्टिस के बाद, और ये बहुत ही इजी है, थोड़ा सा हैबिचुअल होने के बाद सिलॉजिज्म का बहुत इजी हो जाएगा। और कभी कभी आपको मतलब विदाउट इवन राइटिंग एनीथिंग ऑन पेन एंड पेपर यू कैन सॉल्व सिलॉजिज्म क्वेश्चन डायरेक्टली। तो चलते हैं फर्स्ट गोल्डन रूल देखने। इट सेज द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन प्रेमिस एटलीस्ट, अदरवाइज नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। समझो आपका स्टेटमेंट एक दिया हुआ है, ऑल ए आर बी, ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैं बढ़ रहा हूं, और दूसरा दिया हुआ है सम बी आर सी, ठीक है। इन दोनों को देख के कंक्लूजन, और जो हमने लास्ट में पिछले बार में ये बात किया था कि द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन प्रमिस एट लीस्ट अदरवाइज नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, इसके बारे में देखते हैं। तो एज सच हमारा जो डायग्राम है हम ऐसे बनाएंगे, ए और बी लिखेंगे, ठीक है, और ऑल ए आर बी क्या होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, तो ए के सामने टिक और बी के सामने क्रॉस, ठीक है। तो दूसरा है सम बी आर सी, तो बी है जो हमारा मिडिल टर्म हो गया, ये वाला पार्ट, राइट, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया मैंने मिडिल टर्म के बारे में क्या बोला, और सी है, तो ऐसे एक लाइन में रेफर करके अब सम बी आर सी है, इट मींस कि ये दोनों के बीच में बातें हो रही है, तो सम हो गया, सम बी आर सी कौन सा होता है, इट्स कॉल्ड पर्टिकुलर पॉजिटिव, राइट, पर्टिकुलर पॉजिटिव में क्या होता है, क्रॉस क्रॉस हो जाता है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो यहां पे आप वापस से मैं लेके जाऊंगा आपको, आप एक सेकेंड देख लो, सी यूनिवर्सल पॉजिटिव जो ऑल ए आर बी था टिक क्रॉस, और पर्टिकुलर पॉजिटिव सम ए आर बी था क्रॉस क्रॉस, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, तो ये ऐसे ही आपको ड्रॉ करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोल रहा है कि मिडिल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस, ठीक है, तो ये जो है ये आपका मिडिल टर्म है, और बोल रहा है अदरवाइज नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो यहां क्या हो रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि जो टिक का मतलब होता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो क्रॉस का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो एटलीस्ट जब आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो डायग्राम में, उसमें एक बार टिक लगना ही चाहिए, या दोनों बार, आइदर एक बार और दोनों बार, लेकिन अगर दोनों क्रॉस हो गया जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा इन दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन में कभी कभी दिया रहेगा ए और सी में कुछ भी दे देगा, लाइक ऑल ए आर सी, ठीक है, लाइक सम ए आर सी, ऐसे कुछ भी दे देगा, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। ये दोनों क्या, कोई भी कॉम्बिनेशन ए और सी का कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा, बिकॉज द मिडिल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस, जो यहाँ पे नहीं हुआ है, और मिडिल टर्म बी था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा फर्स्ट गोल्डन रूल क्या है, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड गोल्डन रूल कह रहा है, द मिडिल टर्म मे नॉट एंटर इनटू द कंक्लूजन, तो व्हाट डज इट मीन, ये हमारा मिडिल टर्म है, ठीक है। ऐसे मैंने सेम चीज को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, सेम, कोई नया स्टेटमेंट नहीं लिया, ताकि क्योंकि ये इजी है समझने के लिए। इट मीन्स कि जो मिडिल टर्म है, क्या है मिडिल टर्म, दिस इज मिडिल टर्म, राइट, मिडिल टर्म, तो ये कंक्लूजन में नहीं एंटर करेगा। तो जैसे कि हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे और मिडिल टर्म बी रहेगा, तो ये नहीं आएगा हमारे कंक्लूजन में। तो हमेशा याद रखना होगा जो मिडिल टर्म होता है वो कंक्लूजन में नहीं आता है, ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। तो थर्ड वाले पे चलते हैं, विथ टू नेगेटिव प्रेमिसेस नो कंक्लूजन इज पॉसिबल, इट मींस नो प्लस नो इज नो कंक्लूजन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मोस्ट गोल्डन रूल्स जो बातें हो रही है वो नो कंक्लूजन पे बातें कर रहे हैं, ठीक है, नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन, क्यों, क्योंकि जब आप एग्जाम में स्क्रीन में क्वेश्चन देखते हैं, तो अगर आपको वो वाला केस दिख जाता है तुरंत, तो आप सबसे पहले उसे एलिमिनेट करके आगे बढ़ते हैं। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग मोर अबाउट नो कंक्लूजन,
तो थर्ड वाला समझते हैं, विद टू नेगेटिव प्रेमिसेस नो कंक्लूजन इज पॉसिबल। ये क्या कह रहा है? ठीक है, तो कोई नया लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। तो नेगेटिव मतलब क्या हो गया? आइदर यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। कैसे? समझ लो, मैंने पहला लिखा नो कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, ये पहला है। और कैट्स को मैं मिडिल टर्म के में सोच के रखता हूं, तो लिख देता हूं दूसरा, सम कैट्स आर नॉट एलिफेंट। तो क्या हुआ यहां पे? पहला टर्म निगेटिव था, ठीक है, दूसरा टर्म भी निगेटिव था स्टेटमेंट। कॉमन टर्म कौन सा है यहां पे? ये है, ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों के बीच का कोई कंक्लूजन निकालना हो तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, नो कंक्लूजन। व्हाई? बिकॉज सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो नेगेटिव एंड सेकेंड स्टेटमेंट हियर ऑल्सो इट्स नेगेटिव। आइदर इट कुड बी पर्टिकुलर नेगेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव, इट डजेंट मैटर। कोई भी नेगेटिव दो का कॉम्बिनेशन अगर होगा और आप ऐसे रिलेशन निकाल रहे होंगे जिसका मिडिल टर्म ये है, मतलब ऐसा कुछ भी, और मे बी अपोजिट डायरेक्शन में भी, इट डजेंट मैटर। लाइक एक और एग्जाम्पल लेता हूं, तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। जस्ट आपको सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। नो कंक्लूजन के बारे में ज्यादा एम्फेसाइज करना है, क्योंकि एग्जाम्स में अगर कोई दो कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो इजिली इलिमिनेट कर सकते हैं हम उसे। तो देखते हैं, लाइक जस्ट नो सी आर डी, और दूसरा भी कर देते सेम ऐसे ही, नो डी आर एफ। तो मान लो अगर मैंने कुछ कंक्लूजन निकालना है किसके बीच में? सी और एफ के बीच में, राइट? क्यों? क्योंकि डी तो ऑलरेडी मिडिल टर्म है, तो उन दोनों मिडिल टर्म तो आएगा नहीं, गोल्डन रूल नंबर टू। तो अगर सी और एफ के बीच में कोई रिलेशनशिप निकालना होगा तो वो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि नो प्लस नो है। व्हेनेवर नो प्लस नो और समथिंग नेगेटिव प्लस नेगेटिव इन वाइडर टर्म, इट्स कॉल्ड नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तो नो कंक्लूजन। अब ये नेगेटिव आइदर यूनिवर्सल नेगेटिव हो सकता है या पर्टिकुलर नेगेटिव हो सकता है, और ये वाला यूनिवर्सल नेगेटिव हो सकता है या पर्टिकुलर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, इट इज वेरी सिंपल टू एनालाइज। सो द फोर्थ वन, नो कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम टू पर्टिकुलर प्रेमिसेस, तो सम प्लस सम नो कंक्लूजन, इट इज काइंड ऑफ सेम ऑफ लाइक व्हाट थर्ड सेज। ये बहुत इजी होता है, ये दोनों ना बहुत हेल्प करते हैं आपको एलिमिनेट करने में एग्जाम में, क्योंकि नो नेगेटिव और पर्टिकुलर दिख जाते हैं। तो पहले फोर्थ वाला डिस्कस कर लेते हैं क्या बोल रहा है, नो कंक्लूजन फॉलोस और टू पर्टिकुलर प्रेमिसेस। तो मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं, दो स्टेटमेंट को लिखता हूं, सम पीपल आर कावर्ड्स, ठीक है। सेकेंड, सम कावर्ड्स आर नॉट ब्रेव, ये मेरा दो स्टेटमेंट है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल क्या बोल रहा है, दो पर्टिकुलर अगर स्टेटमेंट है तो उन दो के दोनों के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं होगा। तो यहां पे सम है तो दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, दैट्स क्लियर। और कावर्ड मिडिल टर्म है, तो इट मीन्स पीपल और लाइक पीपल और ब्रेव के बीच में जो कोई भी कनेक्शन, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, देयर विल बी नो कंक्लूजन। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, बिकॉज इट वॉज जस्ट लाइक टू नेगेटिव कैन नॉट हैव एनी कंक्लूजन बिटवीन देम। तो लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ रूल, ठीक है, क्या होता है। द फिफ्थ रूल सेज a negative premise will have negative in conclusion. So what does it mean? Let's see with a example. अब इसमें कहता है कि अगर कोई भी प्रेमिस में अगर एक बार negative कहीं statement में use हो रहा है तो वो conclusion में भी आना जरूरी है, ठीक है, वो mandatorily आना चाहिए। In case यहाँ पे क्या है, सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर सी, कॉमन टर्म कौन सा है, ए है, राइट, ये तो आएगा नहीं हमारे कंक्लूजन में।
और अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, इट मींस बी और सी का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, जस्ट फॉर समझने के लिए। तो इट मींस कि सी यहाँ पे नेगेटिव है, नॉट है, ठीक है ना, तो ये नॉट भी अपियर होना चाहिए कंक्लूजन में समवेयर, लाइक एक नेगेटिव स्टेटमेंट ही होना चाहिए, इट कैन नॉट बी अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव ही होना चाहिए। जो बी और सी के बीच में जो रिलेशन बनेगा तो नेगेटिव का आना बहुत जरूरी है। और अगेन जो हमने थर्ड रूल पढ़ा था, जो थर्ड रूल क्या था सी, कि विद टू नेगेटिव प्रेमिसेस नो कंक्लूजन इज पॉसिबल, बट ये वो नहीं है। इसमें कह रहा है कि अगर एक भी स्टेटमेंट में, क्योंकि दोनों में अगर हो गया तब तो नो कंक्लूजन है, बट अगर एक में भी हो गया तो वो आना जरूरी है, दैट इज मैंडेटरी। तो कभी कभी क्या होता है, मान लो एग्जाम में दो स्टेटमेंट्स होते हैं और ऑप्शन में तो इन दोनों को कंपेयर करना होता है और देखते हैं कि ऑप्शन में नेगेटिव है ही नहीं, तो व्हाई वी डोंट नीड टू ड्रॉ एनी डायग्राम, कोई वेन डायग्राम नहीं, कोई रूल नहीं, कोई टिक क्रॉस नहीं, डायरेक्ट उसको क्रॉस मार के आगे बढ़ना चाहिए, एलिमिनेशन। तो ये दिमाग में आना चाहिए, क्लिक कर जाना चाहिए, ताकि यही रूल है, निगेटिव है कोई भी एक स्टेटमेंट में, आइदर ऑफ देम, दोनों में तो हो नहीं सकता, दोनों होगा तो फिर नो कंक्लूजन पॉसिबल होगा, एक में आया तो वो कंक्लूजन में भी आएगा। धीरे धीरे हम और डिस्कस करेंगे तो और हमें समझ में आएगी। आई होप दिस फिफ्थ पॉइंट इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड। सो देर आर फ्यू मोर रूल्स, दे आर वेरी इजी, मतलब कुछ टाइम में अगर आप एकदम न्यू हो तो बहुत ईजी होता है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट यू विल बी गेटिंग यू नो प्रो इन दिस रूल्स। The sixth one is similarly again like that, something similar. What is it? A particular premise will have a particular inconclusion. So again, it is very simple to deal if what you are trying to understand. कि अगर मान लो हमारा statement one में दिया हुआ है some France are Georgia. See again, Venn diagram में कोई length sense नहीं बनता, like sorry. जो आपका सिलॉजिज्म में कोई सेंस नहीं बनता, तो स्टेटमेंट्स ए और बी के टर्म में हम ध्यान रखेंगे, वी डोंट केयर कि क्या बोल रहा है। एंड यहां पे अगर मान लो दिया हुआ है ऑल जॉर्जिया आर रशिया, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर एक भी स्टेटमेंट में पर्टिकुलर है, जैसे यहां पे सम है और हमारा कॉमन टर्म तो जॉर्जिया हो गया, तो ये तो रूल में आएगा नहीं, तो जो हमारा कंक्लूजन होगा उसमें भी सम, सम बोलने का मतलब है पर्टिकुलर आना चाहिए, दैट शुड कम इन आर, एंड जो हमारा फ्रांस और रशिया के बीच में जो यहाँ पे कोई रिलेशन बनेगा तो सम का आना जरूरी है, पर्टिकुलर का आना जरूरी है। दोनों स्टेटमेंट में अगर पर्टिकुलर हो जाता तो नो कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन, बट ईदर वन में अगर होगा तो कंक्लूजन में आना इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम, आइदर दे वोंट बी दैट थिंग वोंट फॉलो। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि हाँ मे बी और इधर, अगर ये नहीं आया तो दैट डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ओके, सो दैट वॉज दैट। सो द सेवेंथ इज अ पर्टिकुलर नेगेटिव विल हैव पर्टिकुलर नेगेटिव इन कंक्लूजन, वॉट डज इट मीन, इट्स अ वेरी वेरी नाइस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, सो हाउ इट आई विल टेल यू, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव फिगर्ड आउट बाय नाउ। इट मीन्स मान लो किसी स्टेटमेंट में जैसे कि वन स्टेटमेंट है उसमें सम नॉट का कुछ है, ठीक है, और ये नॉर्मल अपना ऑल के टर्म में है, तो ये पर्टिकुलर नेगेटिव है और इसके साथ हम इसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो पर्टिकुलर नेगेटिव का कंक्लूजन में आना जरूरी है, इट हैज टू कम, सम नॉट हैज टू कम इन द कंक्लूजन, that is important, and that is all about the seventh rule. एक तरह से अगर आप ऐसे भी देखें कि मान लो first statement में sum था और second statement में not था, मतलब इन दोनों का अगर फिर भी combination लोगे, just first rule क्या होता था, जब sum आ जाता है तो sum आना चाहिए negative इसमें, और जब negative आता है तो negative भी आ जाना चाहिए conclusion में, तभी भी you can see same logic यहाँ पे आ गया। ये भी आपको याद रखना होगा, अगर सम वन में है और दूसरे में नेगेटिव है, लाइक फर्स्ट, इसका मतलब हो गया पर्टिकुलर और इसका मतलब हो गया नेगेटिव, तो पर्टिकुलर और नेगेटिव का अगर भी कॉम्बिनेशन है तो पर्टिकुलर और नेगेटिव कंक्लूजन में डेफिनेटली आना चाहिए, अदरवाइज दैट विल नॉट फॉलो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द एट्थ वन, अ डिस्ट्रीब्यूटेड कैन बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। सो दिस अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आपको
जब मैं एक एक करके एक सिंगलेट समझाऊंगा तब आपको मतलब समझ में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैन बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है। इसमें दो एग्जाम्पल लेके बनाता हूं और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा। मान लो ऑल ए आर बी, ठीक है, तो ऑल ए आर बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी, और कैसे करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल पॉजिटिव है तो टिक क्रॉस। तो ये कह रहा है कि जो जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको आप ऑल्सो अनडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट मीन्स दिस कैन ऑल्सो मीन दिस, सो इट मीन्स यू विल हैव दिस एंड यू विल हैव ऑल्सो दिस। तो जब ये कर दिए तो आप यहां पे सोचो क्रॉस क्रॉस किस में आता है, पर्टिकुलर पॉजिटिव में, तो यहां पे एक मतलब क्या हो जाएगा, सम ए आर बी। सी अभी के टर्म में जब मैं एक एक करके आपको नहीं समझा रहा हूं तो ये चीज आपको भी समझ में नहीं आएगा, बट इतना बस याद रखो रूल के अकॉर्डिंग कि जब डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अनडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो क्रॉस है, वो टिक नहीं बन सकता है। बस इतना ध्यान रखना, आगे के लेक्चर्स में जब हम एक एक करके एक एक चीज को उठा उठा के कंपेयर करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। एंड द नाइन्थ रूल सेज यू कैन डिराइव कंक्लूजन फ्रॉम द सिंगल स्टेटमेंट ऑल्सो, दैट इज ट्रू, विल डू ऑफ ऑल द स्टेटमेंट पॉसिबल एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सिलॉजिज्म टिक क्रॉस मेथड इन अ वेरी इजी वे। सो एक एग्जाम्पल है दैट यू I will try to solve it here. I will solve it here. So that, see, in the question below, you are given two or three statements followed by two conclusions, numbered 1 and 2. You will have to take the two given statements to be true if they seem to have variance with commonly known fact. Read both the statement and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement disregarding commonly known facts. Give answer 1 is true, 2 is true, either 1 or 2, neither conclusion 1 or 2. और बोथ कंक्लूजन 1 or 2 इज ट्रू। सी अभी के स्टेटमेंट में बस मैं एक एग्जाम्पल की तरह रख रहा हूं और ना तो मैं टिक की बातें करूंगा ना क्रॉस की बातें करूंगा, बस नॉर्मली एक सिलॉजिज्म का एग्जाम्पल दिखाने के लिए। बाद में हम बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, सारे केसलेट डिस्कस करेंगे, बट ये बस क्या है, बट ये मैं एक जस्ट बोल रहा हूं। अगर मान लो आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन होता तो आप कैसे सॉल्व करते, ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ। Pause the screen and try to solve it yourself. So now I'll start myself. See, yahan pe diya some hours are minutes and some minutes are not seconds. So what is the common term? For me, I will just mark it like this. Theek hai. So I have to find the relationship between hour and seconds. Theek hai. So first statement says hour and second. But see what is given there. There is some here and there is some here. So what does it mean? Two particular premises, if I combine them, if I add two particular combine, I will get no conclusion. So directly without touching pen and paper, I can say there is no conclusion over there. All hours are seconds. Okay, again hours and second ke beech mein, they are finding relation. Again there couldn't be any relation because sum plus sum is there and that is no conclusion is possible. Hence answer is 4. That was, you can see, neither conclusion 1 nor 2 is true. See, this is just for illustration. So even if you are thinking ki tick cross itna rata abhi aur pata nahi kahan reference aaya, cross cross rata, cross tick rata, and jo bhi hai, theek hai, to ye kahan aayega. To don't worry, that abhi hamara 3 session aur chalega aur wo sare cheez hum discuss karenge, possibility discuss karenge. Yahan pe dekh lo, अभी कंक्लूजन फ्रॉम सिंगल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, पॉसिबिलिटी केसेस के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन वेरियस केसलेट, बहुत अच्छे से हम अंदर एक एक चीज को, इधर और केसेस, सब कुछ, सारी चीज आप टिक क्रॉस से आप सॉल्व कर पाएंगे 100% एफिशिएंसी के साथ एंड देर विल बी नो एक्सेप्शन कि हाँ ये वाला चीज नहीं बनेगा। जो जो एग्जाम में आते हैं जैसे जैसे सब कुछ बन जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वॉज आर डेमो वीडियो। इन आर नेक्स्ट ऑल द लेक्चर्स वी विल कवर डीपली एंड वील यू नो just dissect these syllogism topics, and this was just a brief basic discussion on syllogism. And if you like to purchase our product, please try to contact our team on this number, and you can see Drone Study Video Pen Drives, which is a full course online available. I hope you have enjoyed this video. If you have any feedback, you can reach me on the information I have provided you on the starting of this session. Thank you so much for watching this video.